हाय फ्रेंड्स सो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च और एकल मैसेज मैंने मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट एनिमल गाइड्स लिया है सो लेट्स सी वट आर स्पिरिट एनिमल गाइड्स टेलस फॉर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च क्योंकि जितना मैंने नॉर्मल एनर्जीज देखी हैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए देखी हैं एनर्जीज बहुत पावरफुल बहुत स्ट्रांग बहुत हावी लग रही हैं बट बहुत कुछ लेके आएंगी सो लेट्स सी वट इज द मैसेज फॉर एस और एकल मैसेज ओके दैट वॉज रेडी क्विक एंड

सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो और लीडरशिप की सबसे पहली क्वालिटी होती है जो लीडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी अटेंशन पे करते हैं वो जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं वो अपने सारे सेंसेस का यूज करते हैं समझने के लिए कि क्या हो रहा है उनके आसपास उनको क्या करना है क्या एक्शन लेना है दैट इज ओनली वैन दे कैन लीड सो वो लीडरशिप क्वालिटीज के लिए आई थिंक आपको एनर्जीज को चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होगा यू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड यू विल बी आज टू लीड बट ओनली वैन यू आर एबल टू ऑब्जर्व द थिंग्स विल एबल टू लीड सो चीजों को ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आप लीड करेंगे और मुझे कुछ लीडरशिप चीजें लीडरशिप में भी कुछ चेंजेस जो है स्ट्रांग चेंजेस जो है मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर कुछ कुछ ऐसे डिसीजनस होंगे कुछ ऐसे आ, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इमिडिएटली शायद हम नहीं समझ पाएंगे लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से देखेंगे सोचेंगे समझेंगे तो हमें वो समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ है और वहां से डेफिनेटली ब्यूटिफुल रिजल्ट आएंगे लेट्स सी वट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत एंड आई एम टेकिंग इट फ्रॉम जिप्सी और यू सोट टू

चेयरफुलनेस है कनेक्टिविटी चेयरफुल होना है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज थीफ एंड थीफ वी नो वट इज अ थीफ एंड लास्ट इज द मर्चेंट ओके सो स्ट्रांग पावरफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड इफ यू सी द मैसेज इट फील्स लाइक कोई री यूनियन uh, जो है वो होनी है होनी है ओके okay? कोई री होनी है ट्वेंटी फर्स्ट को और वो यूनियन रीयूनियन जो है वो बहुत विजिबल नहीं होगी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी विजिबल टू एवरीबडी प्रॉबली बिकॉज थीफ है और थीफ का मतलब है एक तरह से पीछे के दरवाजे से जाना और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है जहाँ पे दो पार्ट्स में चीज़ें हों वन पार्ट इज़ गोइंग टू बी चेयरफुलनेस जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो री हो पीपल कमिंग टुगेदर बट दे आर अन दैट अथी ज ऑलरेडी एंटर्ड राइट एंडीफ इज ऑलरेडी एंटर्ड एंड देर इज अ मर्चेंट मर्चेंट की एनर्जी जो होती है वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है राइट right? वो अपने सामान के साथ वेट कर रहा है शिप के आने का ताकि वो सामान शिप पे रखा so, ले गया है और उसके बाद वो शिप का वेट कर रहा है कि वो शिप में सामान रख पाए और ले जा पाए राइट एंड दीज पीपल आर अन अवेयर ऑफ इट उनको पता ही नहीं है क्या हुआ है वाई दे आर अन अवेयर क्योंकि वो पिछले कुछ लोगों से री यूनियन हुई है कुछ लोगों के आपस में एंड दे आर ऑल इन टू प्लेजर सीके

एक अलग से मिले uh, मतलब दो पहले मिले और एक उसके बाद बा, बाद में उनके साथ कनेक्ट हो बट दे विल बी अनअवेयर दैट जो चीजें uh, लेके जाने की जरूरत है वो चली गई हैं उनके पास से दे विल बी अनअवेयर और वो जो चीजें हैं वो जो विट um, um, क्या बोलते हैं प्रूफ्स हैं या एविडेंसेस हैं वो डेफिनेटली काम आएंगी सो so, मैं एक कार्ड निकाल के जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दिस कैन यू क्लेरिफाई दिस एनर्जी प्लीज ओके सो star is coming to light and let's see what is there येस दिस इज समथिंग कमिंग टू लाइट दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रांग कमिंग टू लाइट मतलब ये सन में पेंटिकल जो है वो शाइन कर रहा है एक गेट है ओपन हो रहा है गेट वे ओपन है नंबर वन का कार्ड है और दिस लुक्स लाइक द मर्चेंट हैज गॉट वॉट इट वॉट इट वॉन्टेड एंड वॉट इट हैड टू और कुछ लोग अपनी इग्नोरेंस में वो प्रूफ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर दे गए हैं और मुझे लगता है कि ट्वेंटी फर्स्ट में वो हो सकता है विल इट बी विजिबल ओके सो I don't think it is going to be very visible, though I have all one-one cards. Princess is eleven, um, Ace of Wands is one, and this is one. So you see, all one-one-one-one energy, and it is like visible, but. समथिंग इन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर राइट सो वो बीच में खड़ी है वो आगे जाना चाहती है लेकिन पीछे देख रही है बट यू सी देर इज अर इज अ वट दैट इज कमिंग आउट इन वन हैंड सो आई डो फील इट इज गोइंग टू बी समिंग दैट इज गोइंग टू बी अ लिटल बिट ऑफ विजिबल बट पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को अगर आप समझेंगे तो प्रेजेंट में आप उस एनर्जी को समझ पाएंगे लाइक इट हैज टू भी कनेक्टेडेड विद द पास्ट एंड द फ्यूचर क्योंकि उस तरह की स्टोरी है वेरी वेर्ड बट लेट सी क्या होता है वी विल नो जब होगा कल की एनर्जी में और लेट यू दे A chance so, um, message for 21st of March 2022. Okay, so we have wow, well, we have a compass. कंपस जो होती है वो रास्ता दिखाती है कंपस जो होती है वो डायरेक्शन दिखाती है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब कुछ दिखाई दे रहा है सो काइंड ऑफ फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड और मैं कंपस यहाँ पे रखती हूँ सो दैट द इनर्जीज आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन वी आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन फाइंड योर डायरेक्शन यूज द कंपस कंपस एक तरह से बैलेंस में भी काम करती है अगर कंपस को सही से रखोगे तभी सही से डायरेक्शन बताएगी वरना नहीं बता पाएगी और कंपस एक रोड पाथ भी है लाइक लाइक यू यू कैन फाइंड योर वे फॉरवर्ड राइट तो आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हो कंपस से सो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहां फॉरवर्ड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड दिस इज ऑल्सो क्योंकि सारी आपको एक बैलेंस में लग रहा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको एक सेग्रीगेशन लग रही है बहुत ब्यूटिफुल्पनिंग it's a leaf but that's completely eaten and three <laughs> so let's see let's hope that uh, the leaf that is completely eaten uh, वहाँ से बहुत सारी butterflies जो हैं जो इस पर छोटे 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 वो बने हैं caterpillars uh, जो इसके अंदर हैं cocoons के अंदर वहाँ से बहुत सारी butterflies जो हैं वो बाहर निकले and we are able to witness those butterflies एक last चार यहाँ से निकाल लेते हैं वाह wow, कल भी ये आया था आज भी ये आया है आई डू फील कि कुछ बहुत सारे प्रूफ्स एविडेंसेस मेमोरीज पास्ट की चीजें जो हैं वो वो ऑलरेडी हैं और जिनको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ढक्कन लगा है लेकिन फ्लैशलाइट ऑन है तो जो भी आप कर रहे हो जो भी आप सोच रहे हो जो भी आपके आसपास हो रहा है ऑल इज दिस ऑल ऑफ दैट इज बींग कैप्चर्ड सम इट इज इन द लाइम इट इज इन द लाइट इट विल कम टू द लाइट बस वो डक्कन uh, उतारने के दे रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल रहिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी मेमरी करने की कोशिश कर सकते हो जो बिल्कुल खत्म हो जाए लाइक like आपने फोटो खींची बट कैमरे का ढक्कन ऑन है तो आप फोटो खींचोगे तो वो फोटो आएगी थोड़ी फ्लैश तो पड़ेगी लेकिन फोटो नहीं आएगी सो डू यू सी वट वट आई मीन सो दैट्स दैट्स द एनर्जी विच आई फील ऑब्जर्व पेशेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो कुछ हो सकता है कुछ इकट uh, कुछ कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कुछ प्रूफ लाने की कोशिश कर सकते हो बट कैमरे का ढक्कन बंद है तो फ्लैश लाइट तो पड़ी लेकिन फोटो नहीं आई सो बेयरफुल ओके एंड अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए और अगर रेजोनेट होती है तो फीडबैक दीजिए और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए इट विल रियली रियली हेल्प मी थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय